दोस्तों मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं ऑल टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अभी फिलहाल में जो भी न्यू यूज़र रिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है और उसको जो है जो भी लिमिट मिलती है, जैसे कि 500 रुपये पकड़ लीजिए आप, उसको 500 रुपये मिलती है और 500 रुपये जो है रीपेमेंट करने के बाद कितनी लिमिट मिलती है, इस वीडियो में आपको जो है डिटेल में बताने वाला हूँ और इसका रीपेमेंट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि हमको कितनी लिमिट मिलती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले आप देख सकते हैं 500 रुपये की मेरी लिमिट है, तो यहाँ पर मैं आपको रीपेमेंट करके दिखाता हूँ और यहाँ पर मुझे कितनी लिमिट मिलती है आप में जो है इसमें जो है डिटेल में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका रीपेमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और लोडिंग होने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद में यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 504.10 रुपये हमको चार्ज लग रहा है। सिंपल से मेरा मैं UPI ID पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा जो है फ़ोनपे नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ, इसके बाद पे 404 रुपये में क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप फाइनली यहाँ पर मैं जो है मेरा फ़ोनपे नंबर एंटर कर ले रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ पर मेरा फ़ोनपे नंबर फ़ोनपे का एड्रेस देकर इसके बाद में पे 504 रुपये में क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक कर लेने के बाद में मेरे रजिस्टर फ़ोन नंबर पर एक नोटिफिकेशन जा चुका है फ़ोनपे पर, इसके बाद में यहाँ पर मैं अलाउ कर लेता हूँ और अलाउ कर लेने के बाद यहाँ पर मेरे दूसरे फ़ोन से मैं जो है मेरा UPI पिन दे देता हूँ बैंक का और यहाँ पर देखिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मेरा फ़ोनपे से इधर की जो है रिंग ऐप में जो है अपडेट होता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर इधर से तो पेमेंट कट चुका है, सक्सेस भी हो चुका है और यहाँ पर अभी तक तो नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मेरा जो है 504 रुपये का पेमेंट हो चुका है। अब देखते हैं हमको लिमिट मिलती है या नहीं मिलती है, बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, अपग्रेड होती है या इंक्रीज होती है, देखते हैं क्या होता है हमको 500 के बाद कितनी लिमिट मिलती है, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी लिंक की जो है रिंग एप्लीकेशन की लिमिट बढ़ चुकी है, 500 के बाद मुझे जो है 1200 रुपये की लिमिट मिल चुकी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए आपको जो है एप्लीकेशन ओपन करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसका पैसा निकाल भी लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं आपको कोई जो है फेक वीडियो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है इनका टोटल लिमिट निकाला, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर अभी मैंने जो है ट्रांसफ़र किया, तो अभी जैसे कि हमको 200 रुपये के ऊपर हम जो ट्रांजेक्शन करते तो हमको चार्ज लगता था, लेकिन अभी फ़िलहाल में जैसे इनका नया अपडेट है कि मैंने यहाँ पर देखिए 800 रुपये का ट्रांजेक्शन किया पहला, तो बिल्कुल फ्री में ट्रांजेक्शन हो गया। इसके बाद में 400 रुपये का किया तो वो भी बिल्कुल फ्री में ट्रांजेक्शन हो चुका है, कोई चार्जेस नहीं लगाए, ठीक है। इसके बाद में मैंने जो है पूरा ट्रांजेक्शन करने के बाद में यहाँ पर पूरा को पूरा पैसा मैंने निकाल लिया था, 1 रुपया भी नहीं बचा था। तो यहाँ पर जो है इन्होंने इसका स्कैन का ऑप्शन हटा दिया था, ठीक है। अब जैसे यहाँ से स्कैन का ऑप्शन हटा दिया तो मुझे लगा यहाँ पर ये ब्लॉक हो चुका है या फिर मतलब, और यहाँ पर लिमिट एग्जिटेड लिखा आ गया था रेड कलर में, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कुछ हमको प्रॉब्लम ना आए तो मैंने क्या किया फिर यहाँ पर मैंने देखिए इस पे पर क्लिक किया, ठीक है। आपको भी अगर स्कैन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है आप टोटल लिमिट मत निकालिए, अगर निकाल भी लेते हैं तो सिंपल सा आप क्या कीजिए पेपर क्लिक कीजिए और पेपर क्लिक कर लेने के बाद में यहाँ पर अदर अमाउंट पर क्लिक कीजिए, 1 रुपया टाइप कीजिए और इसके बाद में पेपर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, 1 रुपये का पेमेंट कीजिए, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर हम टोटली अगर लिमिट निकाल देंगे यहाँ से तो यहाँ पर ही स्कैन का ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो, और जैसे आपका स्कैन का ऑप्शन चला जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारा लिमिट ब्लॉक हो चुका है, हम पेमेंट करें या नहीं करें, ठीक है, आपको जो है पेमेंट करने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप डरोगे कि यहाँ पर पेमेंट करें या नहीं करें, ठीक है। तो उसमें से कुछ लिमिट आप जो है बचा कर रखें, 5, 10, 15, 20 रुपये, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 रुपये यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे पता चल सके यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन है, कुछ जो है एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे 500 रुपये के बाद जो जैसे मैंने 500 रुपये का रीपेमेंट किया तो सिर्फ मुझे 1200 रुपये की लिमिट मिली, ठीक है। यानी 700 रुपये हमको बढ़कर इसके अंदर लिमिट मिली, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर अगर जो भी नया बंदा आ रहा है रिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा है तो उसको 500 रुपये की लिमिट मिल रही है और उसके बाद में अगर वो 500 रुपये की जो है रीपेमेंट करके देखना चाहते हैं कितनी लिमिट मिलती है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर 1200, किसी को 2000, किसी को 1000 रुपये से लिमिट मिल रही है, ठीक है, ठीक है। यानी कम लिमिट दे रहे हैं वो लोग। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया दोस्तों यहाँ पर कितनी लिमिट मिल रही है 500 के बाद, ठीक है।
आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।